दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताजा खबरों के साथ। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी धूमधाम से हो रही है, मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य यजमान बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है कि राम मंदिर उद्घाटन समारोह को बीजेपी का समारोह बता रहा है और ये भी कह रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वास्तव में बीजेपी का कार्यक्रम है और बीजेपी राम मंदिर के माध्यम से अपनी पार्टी की ब्रांडिंग कर रही है ताकि लोकसभा चुनाव 2024 में इसका फायदा उठा सके। खैर, कुल मिलाकर राजनीति तो हो रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी बीच ओडिशा के जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का एक बयान आया है जिन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से साफ इनकार कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कस दिया। स्वामी निश्चलानंद ने क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री के बारे में और राम मंदिर के बारे में वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि जो काम स्वामियों का है वो प्रधानमंत्री खुद करना चाहते हैं और मुझे अपने पद की गरिमा का एहसास है, इसलिए मैं मोदी के सामने ताली बजाने के लिए नहीं जाऊंगा। साफ इनकार किया है, उन्होंने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा ताली बजाने के लिए क्योंकि जो काम स्वामियों का था वो खुद प्रधानमंत्री करने के लिए जा रहे हैं। देखिए क्या है पूरा वाकया इस वीडियो में। कि प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य यजमान है, मतलब इस बात की पूरी संभावना है कि पीएम मोदी अपने हाथों से रामलला की मूर्ति को गर्भ गृह में सिंहासन पर विराजमान करवाएंगे। बस इसी का शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने विरोध किया है। जब उनसे कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब पीएम ही प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो मैं वहां ताली बजाऊंगा क्या, मुझे मेरे पद की गरिमा का ख्याल है, बाकी भगवान राम मेरे हृदय में बसते हैं। स्वामी जी ने क्या कुछ कहा आइए आपको पहले सुना देते। सब राम मंदिर में चारों शंकराचार्य जी का उल्लेखनीय निमंत्रण लिए आमंत्रण। देखिए मेरे पास यहाँ तक मठ तो मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, तो मुझे सोचना है कि शंकराचार्य पुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे आ सकते, अगर लिखा होता कि सौ व्यक्ति के साथ आदमी तो अभी मैं नहीं जाता, मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ। समझ क्यों नहीं जा रहे हैं? मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मुझे एक पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए धर्माचार्य वहाँ क्या रहेंगे। जो मैंने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, वहां जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे वो अधिक से अधिक यही वो करेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं बड़े धनी वो कैसे प्रणाम करते मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक क्यों कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जाता। निमंत्रण जो दिया गया है आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते, मुझे जाने की जरूरत है। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, राम जी मेरे हृदय में, भगवती सीता को मैं बड़ी बहन मानता था, लेकिन ध्यान अवस्था में सीता जी ने कहा मुझे छोटी बहन माना करो, वो संबंध कोई तोड़ेगा नहीं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटे। तो सुना आपने स्वामी निश्चलानंद ने जाने से क्यों इनकार किया प्राण प्रतिष्ठा के बारे में और अयोध्या के बारे में जो कुछ कहा वो भी आपने सुना, लेकिन यहाँ पे हो या ना हो राजनीति ज़रूर हो रही है, चाहे लोग इधर के राजनीति करें या उधर के राजनीति करें, उनका कहना यह है कि ये आस्था का विषय है, कोई राजनीति का नहीं, लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं चाहे सत्ता के या विपक्ष के वो काम गलत हो रहा है। आगे सुनिए क्या कुछ कहा। वे नेता इधर के हों या उधर के दोनों ही राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि निश्चलानंद सरस्वती पुरी के पूर्वामनाय श्री गोवर्धन पीठ के वर्तमान 145वें जगत गुरु हैं। स्वामी जी का जन्म 1943 में बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था, वह दरभंगा के महाराज के राज। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच।